मध्य प्रदेश बीजेपी द्वारा सरकार पर आहत और बार खोले जाने को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में माफिया राज और अवैध शराब के कारोबारियों का राज था, लेकिन अब हमारी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है तो बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। इनको तो सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं है। सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में चाहे गुंडा राज हो या माफिया राज, सभी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यही कारण है कि अब प्रदेश में ऐसे लोगों पर रासुका समेत सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ऐसे लोगों को संरक्षण दिया करती थी और अब उन पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश को 15 साल की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक माफिया राज बना के छोड़ दिया था, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, तमाम तरह का माफिया हावी रहा शिवराज सिंह जी के छत्र छाया में, मैं कहूँगी। और हमें हम वो दिन भूले नहीं हैं जब नर्मदा किनारे हजारों लीटर अवैध शराब नर्मदा में बही गई थी, जब वो पकड़े गए थे। और स्वयं मेरे पे तक केस लग चुका है जब एक शराब की दुकान इंदौर में मंदिर के सामने खोली गई थी। तो ये सब शिवराज सिंह चौहान सरकार की देन थी। और अब आदरणीय कमलनाथ जी इस प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने में लगे हुए हैं, तो शिवराज सिंह जी को कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, क्योंकि उनके द्वारा जमाए हुए माफिया, चाहे मिलावट माफिया हो, तमाम माफियाओं को अब जेल जाना पड़ रहा है, रासुकाएं लग रही है, तो इनको तकलीफ हो रही है। उस नाते ये कुछ भी अनर्गल बयान दे रहे हैं।